नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल बिराज की बातें में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूं अटल पेंशन योजना के कंट्रीब्यूशन को लेकर। आपको बताने वाला हूं अटल पेंशन योजना में अगर हम अपनी पेंशन अमाउंट को 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या फिर 5,000 रुपये डिसाइड करते हैं तो उस पेंशन को पाने के लिए हमें आज से कितनी कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अटल पेंशन योजना के बारे में देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा अटल पेंशन योजना क्या है, और अगर नहीं देखी तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए। मैं ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे देता हूं। आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद मेरी पूरी गारंटी है आपको अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसी चार्ट के थ्रू हमें पता चलेगा हमारी अटल पेंशन योजना में अगर हम अपनी पेंशन अमाउंट को 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या फिर 5,000 रुपये डिसाइड करते हैं तो हमें अपनी उम्र के हिसाब से कितनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। और इसी चार्ट में हमारी जो टोटल कंट्रीब्यूशन के अंदर जितनी भी कॉर्पस अमाउंट जमा हो जाएगी जो कि हमारी डेथ के बाद हमारे नॉमिनी को मिलेगी, वो अमाउंट की कैलकुलेशन भी यहाँ दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं अपनी पहली रो। यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम गारंटीड पेंशन और ₹1,000 पर मंथ। इसका मतलब अगर हम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन डिसाइड करते हैं अटल पेंशन योजना के थ्रू तो हमें कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। 2,000 रुपये अगर पेंशन अमाउंट करते हैं तो कितनी कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, 3,000, 4,000 या फिर 5,000 रुपये डिसाइड करते हैं तो हमें कितनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी अपनी अटल पेंशन योजना में। दूसरी जो रो है वहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न ऑफ कॉर्पस अमाउंट टू द नॉमिनी। इसका मतलब जो टोटल कॉर्पस अमाउंट हमारी जमा हो जाएगी हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन में और जो अमाउंट हमारे नॉमिनी को मिलेगी हमारी डेथ के बाद वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। अगर हम 1,000 रुपये पेंशन के लिए जितनी भी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो टोटल कंट्रीब्यूशन विथ इंटरेस्ट मिलाकर हो जाती है 1,70,000 रुपये। 2,000 के लिए 3,40,000 रुपये, 3,000 के लिए 5,10,000 रुपये, 4,000 के लिए 6,80,000 रुपये और 5,000 के लिए 8,50,000 रुपये। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी उम्र के हिसाब से हमें कितनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी अपनी पेंशन अमाउंट 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या फिर 5,000 रुपये प्रति माह पाने के लिए, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं NTS दिया गया है 18 साल और जो एंड एज है वो है 40 साल। जैसे कि हमें पता ही है हमारी अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 18 साल से 40 साल के बीच। मतलब 18 साल से 40 साल के बीच के उम्र के लोग ही अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ जो पहला रो है वहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिए 18 साल के लिए जो वेस्टिंग पीरियड है वो होगी 42 साल। मतलब अगर मेरी उम्र 18 साल है तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी 42 सालों के लिए। अगर इसका मतलब ये हुआ 60 साल से अगर हम 18 साल को निकाल दें तो हमें टोटल 42 साल कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी अपनी अटल पेंशन योजना में। तो अगर हम 1,000 रुपये प्रति महीने पेंशन डिसाइड करते हैं तो मंथली हमें उसे पाने के लिए 18 साल उम्र के एक व्यक्ति को इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रति माह 42 रुपये, क्वार्टरली 125 रुपये, हाफ ईयरली 248 रुपये। 2,000 रुपये पेंशन पाने के लिए 84 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 250 रुपये क्वार्टरली करना पड़ेगा, हाफ ईयरली 496 रुपये। 3,000 रुपये पेंशन पाने के लिए मंथली 126 रुपये, क्वार्टरली 376 रुपये, हाफ ईयरली 744 रुपये। 4,000 रुपये पेंशन पाने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मंथली 168 रुपये, क्वार्टरली 501 रुपये, हाफ ईयरली 991 रुपये। और 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 210 रुपये मंथली, क्वार्टरली 626 रुपये और हाफ ईयरली 1,239 रुपये। ठीक उसी प्रकार अगर हमारी कंट्रीब्यूशन हम 19 साल होने पर करते हैं तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होगी वो होगी 41 साल
और हमें 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए करनी पड़ेगी मंथली 46 रुपये इन्वेस्ट, क्वार्टरली 136 रुपये, हाफ ईयरली 271 रुपये। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमारी उम्र बढ़ गई है 1 साल, तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी है वो भी बढ़ गई है। 18 साल में अगर हमने 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए मंथली 42 रुपये कंट्रीब्यूशन करना था, तो 19 साल में वो बढ़कर 46 रुपये हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर 5,000 रुपये हमें पेंशन पाना है और अगर हमें 19 साल से हमने स्टार्ट किया है अपनी कंट्रीब्यूशन, तो वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट हो जाएगी मंथली 228 रुपये, क्वार्टरली 679 रुपये, हाफ ईयरली 1,346 रुपये। अब हम चलते हैं एकदम आखिरी एज यानी कि साल 40 साल में। अगर 40 साल की उम्र में हम कंट्रीब्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं तो हमारी वेस्टिंग पीरियड हो जाएगी 20 साल, 40 प्लस 20 60 साल। 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन अब जाकर हो जाएगी 291 रुपये, क्वार्टरली 867 रुपये और हाफ ईयरली 1,717 रुपये। आप यहाँ देख लीजिए कहाँ 18 साल का एक लड़का अगर अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है तो उसे वही 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए 42 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और अगर एक 40 साल का व्यक्ति अपना 1,000 रुपये पेंशन डिसाइड करता है तो उसे वह पेंशन पाने के लिए 291 रुपये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 5,000 रुपये जो कि मैक्सिमम पेंशन अमाउंट है अंडर अटल पेंशन योजना, उसे पाने के लिए एक 40 साल के व्यक्ति को 1,454 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रतिमाह, 4,333 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे क्वार्टरली, और हाफ ईयरली 8,581 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि इस टेबल से हम देख सकते हैं अटल पेंशन योजना में हम अपनी जितनी कम उम्र से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारी कंट्रीब्यूशन अमाउंट उतनी ही कम होती है। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।